जिला उद्योग बंधुओं की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया में अस्थायी सफाई व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को पत्र भेजने, गीडा की आंतरिक सड़कों पर अवैध रूप से खड़े हो रहे ट्रकों को हटवाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों के साथ प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बैठक करें, जिससे पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं का निस्तारण हो सके। बैठक में उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव सहित उद्यमी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर आपने भी नहीं तकलीफ की, हमने भी नहीं पूछा आपसे। तो देखिए एंड ये किसी भी स्टेट के दो एंड होते हैं ना सर। तो एक हिस्सा अगर और दोनों एनपीए हो गए। अच्छा ठीक है सर, एनपीए हो रही थी। एनपीए होने के पहले बैंक ने वार्निंग कि आप पैसा रिकवर कर लो सर, बेसिकली कर लीजिए। जो आजकल तो जो ये ऑक्शन होती है उसका लेवल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि कोर्ट केस निपटते नहीं। उस एग्रीमेंट के लिए पिछली बैठक में आपके साथ बाहर भी चर्चा हुई थी कि हम लोग फिर से एक आपके समक्ष बैठक कर लें। तो आपका खत्म ये तो है नहीं कि टाइम बार होना है या कोई ऐसी इसमें ऐसा है कि क्योंकि ये थोड़ा सा लीगल मैटर है और एक्चुअली डीएम साहब के कोर्ट में तो ये उन्हीं का अपना अधिकार है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जैसा बता रहे हैं बैठ जाइए, कल परसों में ही बैठ जाइए। उसके बाद जो भी है आप अगर आपको कोई ग्रीवांस है तो आप आके डीएम साहब को बता दें, जैसा जो फैसला होगा। कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है ना सर, ये तो बंद तो करा ही जा सकता है, उसमें कहां समस्या। तो डीएम साहब को साइन करना का नहीं करना। आए हैं यहां से समानी से कोई आया भी नहीं, नहीं आए। ऐसा था सर, इनके मैटर में हम लोग चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने डीएम साहब की कोर्ट में केस चल रहा है, ऑलवेज टेल हिम कि हम उद्योग बंद नहीं करवाने के लिए बैठे हैं। अब सरफेसी के अंतर्गत सर क्या कार्रवाई चल रही है तो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो इट इज आउट ऑफ माय हैंड, बट ही कम्स एंड ही शाउट्स, ओनली शाउट्स। सर अगर वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव अगर कुछ हो या आपने जो बैंक्स को इतने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगर प्रोवाइड करना चाहेंगे तभी सर इसमें कुछ आगे होगा। आप लोग लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर एक कुछ सही है एकदम और हेलो दरवाजा आज भी खोले हुए हैं, उनको अलग से इन्फॉर्म किया गया था, उनको मैंने बताया। मैडम देखिए डिस्टेंस टू दस वेरी स्ट्रेचिंग टू समझने के बाद उत्तर कोई किसी तरह से नहीं आया। आपके पास